البادل اسمه بول اسمه واضح اهلا وسهلا بلقي الكريم عفوا لي انا اتلقى سؤالك بكل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته मैं हूं मोहम्मद तला मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूं सबको तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और खुशियां अता फरमाए और इस ईद को जो है आप लोगों के लिए खुशियों का बाइस बनाए और इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और जा रहे हैं मस्जिद नबी की तरफ ईद पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह और वहाँ पर पहुँच कर ईद पढ़ेंगे साथ में मोहम्मद भी है चाचा वगैरह भी हैं कज़न भी आए हुए हैं जो यहाँ पर रहते हैं मदीना में और मक्का वगैरह में उसके अलावा भाई भी है वालिद साहब भी हैं तो हम सब जा रहे हैं इंशाअल्लाह ईद पढ़ने और बड़ी कोशिश की मैंने इस तरह रुमाल बांधने की लेकिन इस टोपी पे जो है ना बांधना बहुत मुश्किल था तो इस वजह से नहीं बांध सका रुमाल इसके हाथ में तो खैर शायद नीचे बिछाने का काम है खैर जा रहे हैं और रश बहुत ज़्यादा है और रात के 3 बज रहे हैं और इस वक्त रश की एक कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ ईद पढ़ने हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो भी यहाँ पर ईद पढ़ने आते हैं मक्का मुकर्रमा में जो नज़दीक हैं वहाँ जाते हैं इनको मदीना मुनव्वरा नज़दीक लगता है इनके जद्दा से और ताइफ से इन इलाकों से भी लोग यहाँ ईद पढ़ने आते हैं तो खैर बहुत ज़्यादा रश है और 3 बज रहे हैं अभी तहज्जुद की अज़ान भी नहीं हुई तहज्जुद की अज़ान भी होगी फिर फजर होगी उसके बाद ईद होनी है लेकिन जगह की वजह से बहुत पहले जाना ज़रूरी है तो इंशाल्लाह पहुंचते हैं कोई जगह ढूंढते हैं आ सकूँ सामने मस्जिद बिलाल से आने वाला रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है सिर्फ पब्लिक का रश है पैदल वालों का और ये पुलिस की गाड़ियां सिर्फ इंटर हो सकती हैं अंदर ये रुमाल मैंने किसी तरीके से बांध लिया पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना कमेंट में बाकी बांध लिए दिल चाह रहा था यार कि ज़िंदगी में स्टाइल ये भी बनाना चाहिए अच्छा दूसरी चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी के इंतज़ाम आता है आपको जो है तमाम रास्ते एक तो हम जब से यहाँ पर हैं एक चीज़ देखी है मदीना मुनव्वरा आने वाले रास्ते वगैरह तो उन्होंने मेंशन किए हैं इसके अलावा जब आज ईद का दिन है रश का दिन है तो इन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रैफिक को कन्वर्ट कर दिया है दूसरे रोड पर और पैदल आने वालों के लिए आसानी कर दी है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर रोड पर भी रश लगता है तो लोग इजी तौर पर रोडों पर भी अपनी ईद पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा हो जाता है इस बैग के बारे में बताएं कि अक्सर लोग देख रहे हैं परेशान हो रहे हैं ये इसलिए कि जूते डालने के लिए बहुत काम आते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है यहाँ पर जगह नहीं होती अक्सर हम अपने शूज़ वगैरह इसमें डाल के जो है अपने सामने कहीं कैरी कर सकते ताकि गंदगी भी ना हो और शूज़ भी इसमें हो जाए पहुंच गए हैं मस्जिद नबी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अंदर जगह मिल जाएगी इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है बाकी मार्केट भी अभी हल्की फुल्की ओपन है अब इस वक्त हरम फुल हो चुका है और मुकम्मल तौर पर रश है और रश की वजह से हरम बंद है रश की वजह से जो है हरम को बंद किया और बाहर रोड तक जो है आवाम ही आवाम है अगर आपको मैं सामने दिखाऊँ इस गेट से हम रोज़ाना जाते हैं इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया पीछे से जाना होगा जहाँ भी जगह मिलेगी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह बहुत ज़्यादा रश है यहाँ तक रश है रोड के ऊपर अच्छा भाई यहाँ से भी रास्ता बंद कर दिया इन्होंने और बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है अल्लाह ताला खैर करे रोड पर भी हमें जगह मिल जाए अब हम इस तलाश में कि रोड पर भी हमें जगह मिल जाए तो खैर क्योंकि वो अगला हिस्सा है वहाँ पर तो नमाज़ हो ही नहीं सकती आपकी जाना तो हमें पीछे ही है तो देख रहे हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह अब हम निकल आए हैं हरम की बैक साइड पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर मस्जिद गम्माम है और ये हम अंडर पास नीचे से पैदल उतर है बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या सूरत हाल बनती है यहाँ से जाना था तो ऊपर से भी आराम से जा सकते थे बच्चे खैर तो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह अब वो असल में लोगों ने बहुत सारे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने इमाम से आगे जगह बनाई हुई है और उनका कहना है कि इमाम की आवाज़ आ रही हो जाती है नमाज तो भाई नहीं होती आप जो मर्ज़ी कर लें आपकी नमाज़ नहीं होगी ना फजर की नमाज़ होगी नहीं कुछ और हाजी भी जा रहे थे तो खैर ये अंडर पास है काफ़ी हाई स्पीड अंडर पास है
गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं हरम की बैक साइड पे एक किलोमीटर तक में भी जगह मिल जाए, जहाँ तक इमाम की आवाज़ आ रही है वहाँ भी जगह मिल जाए, लेकिन इमाम के पीछे पढ़ेंगे हम नमाज इंशाअल्लाह। और ईद हमने इमाम के पीछे पढ़नी है, आगे नहीं पढ़नी। एक भाई और भी जा रहे हैं यहाँ से, खैर चलते हैं यार यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं ऊपर। असल में इनके अंडर पास बहुत ज़्यादा उतराई में, फिर ऊपर बहुत चढ़ाई में, उतर तो आया आसानी से, चढ़ते हुए देखते हैं क्या होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी लंबी अंडर पास है, स्पीड देखें गाड़ियों की। ओह माय गॉड भैया, मदीने में ईद पढ़नी है, मस्जिद नबी में ईद पढ़नी है, तो फिर ये मुश्किल उठानी पड़ेगी। बहुत लंबी चौड़ी अंडर पास है ये, हरम के बिल्कुल बैक साइड पे जाके निकालेंगे इंशाल्लाह। तस्बीहात शुरू कर दी उसामा साहब ने, तकबीरात, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर का जाते हुए एहतमाम करना चाहिए, जिस रास्ते से जाएं अलग रास्ते से हैं, मेरे ख्याल से हम जिस रास्ते से जा रहे हैं हमें पता भी नहीं है वापसी में कौन से रास्ते से आते हैं। कम 2 किलोमीटर लंबा अंडर पास जाने के बाद दोबारा वापस नहीं जाने दिया, हालांकि हम हरम के अंदर बेशक नहीं जाने दे रहे थे, आप कम से कम बैक साइड पे तो जाने दो, लेकिन नहीं, अब लोग यहाँ से गलत रास्ते से ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करे, क्या करें, जो बंदा 2 किलोमीटर चल के जाए फिर 2 किलोमीटर पीछे है तो उसको यहाँ से जाना पड़ता है। खैर हम सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह, सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे। मस्जिद जाना, मस्जिद क्या नाम था यार, भूल गया, मस्जिद अबू बकर आगे वाली है, मस्जिद गम्मामा। यहाँ से कोशिश करना, मेरा अल्लाह बेहतर जानता क्या सूरत हाल बनती है। बहुत रश है यार, नमाज के अंदर अजान के अंदर सिर्फ आधा घंटा बाकी है भाई। बिलाखिर हमें जगह मिली है मस्जिद अली से पीछे, तो ये खैर इतना है कि इमाम से पीछे ये जगह और यहाँ नमाज हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए सेटअप सही सही। खैर वाफिया से अभी भी यहाँ सेटिंग नहीं है, सफ़े उल्टी सीधी बनी हुई, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ ईद पढ़ना भी आसान काम नहीं है। खैर सब्ज़ गुंबद, गुंबद खजरा जो है वो थोड़ा सा हमारे से आगे ही है, और ये रोड के ऊपर ये जगह तकरीबन मस्जिद अली से पीछे, क्योंकि मस्जिद अली में तो हो नहीं सकती ईद और जुम्मा, क्योंकि छोटी मस्जिद है सारी की। नमाज़ हो चुकी है और फजर की नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और ईद के दिन भी जनाजा। बच्चे का था या बड़े का? बच्चे का नाम नहीं लिया, इसका मतलब है सिर्फ जनाजा बड़े का ही होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं। बोला तो फिर शायद बच्चे का, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बहरहाल जनाजा है इतना पता है। खैर ये तो रोज़ाना हम कितने कितने जनाजे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। खैर किसी के लिए खुशी और जिस बेचारे घर में ये हो तो उसके लिए तकलीफ भी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे ईद भी यहीं पर पढ़ें, ये जगह सही मिल गई हमें और यहाँ सुकून से बैठे हैं और इमाम से पीछे बैठे हैं, बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ ली है और अब खुतबा शुरू हो गया, जो कि सुनना वाजिब है, इंशाल्लाह उसको पूरा सुनेंगे। लेकिन अफसोस के साथ हमारी आवाम को जो है ना सब्र नाम की चीज़ नहीं है, अपनी जगह पर बैठकर ही खुतबा सुनना वाजिब है, उठ के इधर उधर भागना वाजिब नहीं है। العبودية الخالصة لله وحده، كما أنه دين الحياة ودين الدنيا ودين العمران ودين البناء ودين الأخلاق والقيم، فهو دين متوازن متكامل البناء. يتجلى ذلك الكمال في معالم الجمال المنطبع في مناخ الحياة جميعها.
अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो गई है, खुतबा हो चुका है, खुतबा सुनना वाजिब है और इस वक्त ईद मिल रहे हैं मोहम्मद साहब से। ईद मुबारक भाई, खैर मुबारक, सामा साहब ईद मुबारक, खैर मुबारक हो गए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ईद पढ़ ली है, मोहम्मद शहजादा खड़ा है और ये और इन लोगों को जो है ना रास्ता चाहिए, तो सामने रोज़ा रसूल और इस वक्त इन्होंने जहाँ से हमने जाना अपने घर की तरफ रास्ता बंद किया हुआ। बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं चाह रहा मेरे से, क्या बोला, निकल में बहुत ज़्यादा रश है और जहाँ से हमने जाना वो रास्ता अब तक नहीं खोला, समय से बाहर है यार, बहुत ज़्यादा समय से बाहर है, बहुत घुमा फिरा के भाई ये लोग रास्ता वो करते हैं। आप यकीन करो सुबह से अब तक जो है ना हम कोई 10-15 किलोमीटर चल चुके हैं, यहाँ से चल लेते हैं। खैर जहाँ हैं यहाँ पर जो है सब्र से तकलीफ़ें बर्दाश्त करना ज़रूरी है। चले अल्लाह मालिक, एक गेट से निकलो तो रास्ता भी और चला जाता बिल्कुल ही। हाँ अब वो हमने जाना है जन्नतुल बकी वाले रास्ते पे, क्योंकि हमारे होटल की तरफ वही रास्ता जाता है, यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा बिल्कुल। बहरहाल अल्लाह का फजल है कि हमें मदीना पाक में जो है ईद पढ़ने का मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मरतबा फिर आगे से इन्होंने बंद किया हुआ है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। खैर अल्लाह बेहतर जानता है, एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ से बंद है। खैर यहाँ से निकलते हैं, ट्रक के पीछे से लोग जा रहे हैं, देखें हर तरफ से रास्ते इन्होंने बंद किए हुए होते हैं, कोई इनका समझ नहीं आती कि आने का कौन सा है जाने का कौन सा है, ना ही ये किसी सीधे रास्ते पर आपको भेजते हैं, ये आपने अपने दिमाग से काम चलाना होता है यहाँ। अच्छा जनाबे वाला, लोग ईद की नमाज़ तो लोगों ने पढ़ी लेकिन 60-65% लोग ऐसे थे जो बग़ैर खुतबा सुने, यानी कि जो खुतबा वाजिब है उसको सुने बग़ैर ही चले गए, जो कि ईद की नमाज यूँ समझें कि आपकी अधूरी रह गई। थोड़ा सा सब्र की बात है, 10 मिनट का खुतबा था, कोई बहुत लंबा चौड़ा खुतबा नहीं था, तो खैर लोगों को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए। बहरहाल हमारा काम है सही बात बता देना, अमल करना ना करना लोगों का काम है। और जो एक चीज़ अभी तक मेरी समझ में नहीं आई वो ये है कि इमाम से आगे नमाज हो जाती है नहीं होती, वो सिस्टम समझ से बाहर है, क्योंकि कुछ भी नहीं लाखों का मजमा इमाम से आगे नमाज पढ़ रहा था। खैर हमने अपनी कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह इमाम से पीछे ही जगह ढूंढी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहीं पर पढ़ी है। हाँ जो आलिम है इस मसले, हाँ कोई बंदा अगर आलिम दीन है जो इस मसले को समझता है तो बता सकता है तो बताए, ताकि ये हमारी गुजारिश भी होगी। वैसे तो हम खुद भी कराची पहुँचेंगे तो किसी आलिम दीन से इंशाल्लाह रुजू करेंगे, इस मामले पर बात करेंगे। खैर फिल वक्त तो ये मसले मसाइल हैं, लेकिन क्योंकि आज ईद थी उसके बाद ये मसले भी ख़त्म हो जाने अगली ईद तक, फिल वक्त हम जा रहे हैं। अच्छा एक मरतबा फिर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और जितने भी देखने वाले हैं अल्लाह ताला सबको जो है मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक, मोहम्मद की तरफ से भी सबको ईद मुबारक, रोज़ों की खराबी में ईद मुबारक। आमीन आमीन। तो इंशाअल्लाह अब जा रहे हैं होटल की तरफ और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यारतों पे जा सकें, लेकिन कुछ तरतीब ही नहीं बन पा रही, तो इंशाअल्लाह देखते हैं अगर बनती है तो आपको इसी व्लॉग में दिखाएंगे। तो वाला हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं और सूरत हाल देख सकते हैं आप, बहुत अफसोस की बात है कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी के लिए ये कौम आती है उन्हीं रोटों को उन्हीं मुबारक गलियों को गंदा करती है, उन्हीं मुबारक गलियों में कचरा कूड़ा फेंकती है, इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है। इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने इसी तरह गंदगियाँ कर रखी है, आप नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में जाएं, पहाड़ी इलाकों में जाएं, इसी तरह लोग आज गंदा करते हैं। लेकिन इसमें तो खैर पूरी दुनिया के लोग मौजूद हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन बहुत शर्म की बात है। क्या वो तो इन लोगों की हिम्मत है कि यार सफाई करना है, लेकिन शर्म का मकाम है इस कौम के लिए कि आप मतलब यह साबित करना चाहते हो कि आप इतने गंदे लोग हो यार, अल्लाह और उसके रसूल के घरों पर आकर भी आप लोग ये हाल करते हो यार। ये माना कि वो खत्म, ये बकायदा ये कचरे बनाने के लिए इन्होंने
जगह जगह पर कूड़े दान रखे हुए हैं, सब चीज़ें रखी हुई हैं, हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे, इंसान बने, शर्म करें। ईद के दिन मुझे ये लफ्ज़ बोलने पड़े, आप मुझे तो नहीं पता कि किस किसने किया, लेकिन मुझे बात बोलनी पड़ी कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। रात को बिल्कुल साफ सुथरा था आप, मैं तो अभी मदीने के अंदर की अभी नहीं बने, रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द लोगों ने इतनी गंदगी की हुई है कि शर्म महसूस होती है कि यार लोगों के अंदर मतलब कोई अक्ल शऊर नहीं है। बहरहाल भाई ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, अच्छी कौम की निशानी नहीं है, अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमानों के इस्लाम के अंदर है कि निसफ ईमान आधी सफाई जो है निसफ ईमान है। बड़े अफसोस की बात है कि ये बात मुझे ईद वाले दिन भी आप लोगों को बोलनी पड़ी, क्योंकि मैं गंदगी देख के दिमाग घूम गया। खैर पूरा रमज़ान में इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदगी है। जो है वो अरबी सुना रहे, सुना भाई। मरहबन बिल अखिल फादिल, अहलन व सहलन बिल अखिल करीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या फलाल है? सुना सुना के चल। मरहबन बिल अखिल फादिल, इसमें बोल, इसमें आवाज। अहलन व सहलन बिल अखिल करीम, अफन ली अन अतलक सवालक बिकुल सुरूर। पूरी आवाम देख रहे हैं यार, आगे चल आगे बोल। सलमा बदालक ऐन तदरसु या अखी, अदरसु फी अकादमी अल खलील, اين تقوى هذه الاكاديميه اكاديميه القليل تقوى في بدر بعد قرات الشيخ ختم مطلب ہی بتاؤ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ جو جوس بیچ رہا تھا اس کو وہ جوس یہاں پہ بیچنا نہیں چاہیے اچھا بدر بعد جائے کراچی میں وہاں پہ جا کے بیچے کتنی لمبی عربی بولی اور اتنا سا لفظ ہاں امشی چلو بچے لام مو بس امشی کے اندر ये मीम शीम मीम ये इमशी। तो इसका मतलब हम तेरे से क्लासें लेना शुरू कर दें अरबी की। हाँ कर लो कर लो, चलो सही। एक रियाल एक घंटे की मांग रहे पैसे। हाँ। उससे बेहतर नहीं है चाचा बोल रहे मेहनत नहीं होगी। मेहनत हाँ बोल रहे मेहनत होगी, सही ले रहे एक रियाल। जी जी सही बात है, आपने भी सीखनी है। दरअसल ये है बंद है, मैं खुलवाता हूँ, टेंशन नहीं ले, कल परसों मैं खुलवाता हूँ। आपने सुन ली इसकी अरबी, ये अरबी तोता है हमें नहीं आती ये नकली तारीख तारीख। हमने भी कुछ सीख ली है। तारीख और तारीख बाकी अच्छा भाई होटल जा रहे हैं, होटल होटल जा रहे हैं, बहुत कुछ सीख लिया भाई उन्होंने अरबी में। आप बकाले में घुस गए, कुछ ना कुछ लें यार, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। ओए टेक योर साइड, 7 अप पेप्सी बायकॉट, दूसरी कोई भी चीज़ लो। मूसी ले मूसी। नो नो मूसी, आई एम नॉट लाइक दिस मूसी। वाओ गुड गुड गुड, उसामा चॉइस इज गुड। अंग्रेजी नहीं आती। तफ्ता यानी सेब का जूस है। वाह सुभान अल्लाह, शराबी अल्फा की है, इसका मतलब यही है कि सेब का जूस। अच्छा वो पहले वाले का मतलब यही था। नहीं तफ्ता कम रियाल, कम रियाल कितना? सात सात। जाओ लो, तूने क्या लिया भाई? व्हाट इज योर मूसी? अच्छी है भाई, अच्छी है। गुड गुड, चेक करवा है। पहले मुझे चेक करवा। ओहो भाई ये मूसी मैं चेक कर रहा हूँ। एक दिन मैंने गंदम वाली ली थी, मुझे मैंने जो है ना वो फेंक दी थी। चेक करो ये, 7 रियाल नुकसान किया था मैंने। 6 रियाल यार, ये वाली तो अच्छी है। उस दिन हमने खाम खा गंदम वाली उठाई, ये अच्छी है। सही है, पैसे दे दिए तो लाना। कहाँ जा रहे? अबे ले क्या यार, ये क्या अजीब आदमी है यार, इतनी मुश्किल से कोई चीज़ आज पिला रहा था, वो भी वापसी रख के। सेब 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 अरे कुल्लू सेब। अबे चल भाई, बहुत लंबी करते हैं, चल भाई जल्दी कर, ये लेके जा रहे हैं ऊपर जाके पीते हैं वगैरह खा कर आराम किया था, और अब जा रहे हैं
مسجد النبی کی طرف اور مغرب کی نماز وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، عشاء بھی وہاں پڑھیں گے، کیا خیال ہے؟ اور محمد نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی اس کا بھی سوچ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کھانا چاہ رہا ہے آج۔ چلو انشاءاللہ اب جا رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر آگے کیا صورت حال ہوگی وہ بھی دکھائیں گے۔ آج کے اندر کے مناظر، رمضان شریف ختم ہو گیا، وہ رونقیں جو افطاری کی تھی ماشاءاللہ سے آج وہ بھی نہیں ہے، تو رمضان کا ایک اپنا ماحول تھا، آج عید کا دن ہے۔ خیر یہاں پر عید کا دن اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی ماشاءاللہ سے مسجدیں خالی، یہاں پر خیر وہ ماحول نہیں ہے، الحمدللہ نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں لوگ، اور اس وقت بھی عشاء کے لیے بھی لوگ ابھی سے بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو رونق رمضان تھی وہ زہری بات ہے، ختم ہو گئی۔ دسترخوان لگانا اور کھانا پینا چل رہا ہوتا تھا تو ایک الگ ماحول تھا۔ خیر اس وقت تھوڑا باہر کی طرف نکل رہے ہیں انشاءاللہ، مسجد بلال کے پاس آ گئے ماشاءاللہ، یہاں بھی بڑا ماحول ہے، عوام وغیرہ بہت زیادہ ہے یہاں بھی، مسجد بلال ہے سامنے۔ مسجد بلال کے نیچے مارکیٹ ہے پوری، کپڑے، جا نمازیں، عطر، ہر چیز یہاں پر موجود ہے، جو کہ ہماری میری رینج سے تو بہت باہر ہے۔ خیر بس ویسے وزٹ کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، یہ میں نے جو شاپنگ کی اس میں ایک اود اسود لی ہے، دوسرا بخور کویتی لی ہے، اور اس کے علاوہ دو عطر لی ہیں، یہ والے، ان پہ نام وام نہیں ہے لیکن یہ اچھے ہیں عطر کافی نا۔ ایک تو اس میں وہ ہے اود ہے اوریجنل، اور دوسرا یہ وائٹ اود ہے، یہ بھی اوریجنل ہے۔ تو بس اتنی سی شاپنگ کی بھائی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، اب ہیں یہاں سے، آج تھوڑا روز بخاری کھانے کا ارادہ ہے، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ایسا بلاگ کا اینڈ کر رہا ہوں، کھانا وانا کھا لیا، فارغ ہو گئے ہمارے ایک مہمان، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلاگ میں کہ ان کو ہم نے دبئی کے لیے رخصت کیا تھا، اور یہ ماشاءاللہ آ گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور مبشر بھائی جو ہے وہ آ جائیں، اور انشاءاللہ ہم زیارات کے لیے نکل رہے ہیں، تو نیکسٹ بلاگ کا آغاز وہاں سے کریں گے انشاءاللہ۔